अगर आप मियाँ साहब ने तो इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया, नाम लिए, अब आप भी थोड़ी सी हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करें और चलाएं उसको लाइव मीडिया के ऊपर। आप समझती हैं वही नाम है जो मियाँ साहब ने लिया? मैं बिल्कुल यही समझती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन आप भी चलाएं उसको जरा मीडिया के ऊपर। मरियम, जो आपको ये धमकियां आ रही हैं, आपको डायरेक्ट आ रही है, सात लोगों को सामने लेकर आएगी कि जिनके वोट के हवाले से कहा जा रहा है कि शहर में वोट नहीं दिए, पीडीएम ये करेंगे। मैं समझती हूँ कि कोई ऐसा नहीं है जिसने यूसुफ रजा गिलानी को वोट नहीं दिया। गफूर हैदरी साहब, शुक्रिया। देखें, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते तो गफूर हैदरी साहब भी जीत जाते। अच्छा, आप धमकियों के हवाले से आपने भी बात भी की कि स्मैश, थोड़ा सा आवाम भी जानना चाह रही है, क्या आपको डायरेक्टली ये धमकियां दी जा रही हैं और या आपको पार्टी के रहनुमाओं के जरिए खामोश करने के लिए कहा जा रहा है कि मरियम नवाज आगे कहीं ना बात करें? थोड़ा सा आवाम ये जानना चाह रही है कि उसमें कुछ बताइए। मैं ये समझती हूँ कि जब तक आप नवाज शरीफ साहब की वो वीडियो नहीं चलाएंगे मीडिया के ऊपर, मैं इस बारे में आपको कोई जवाब नहीं दूंगी, ना आपका हक है इस बारे में मुझसे सवाल करने का, जब तक आप मियाँ साहब की वो वीडियो कौम को नहीं दिखाएंगे। आप पूछ रहे हैं कि कौम ये सवाल पूछ रही है, तो कौम किस बारे में सवाल पूछ रही है? आपने तो दिखाया ही नहीं उसको। नहीं, सोशल मीडिया के जरिए हर एक को पता है। नहीं, आप पहले मियाँ साहब की वो वीडियो सारे चैनल्स पे चलाएं ताकि मुझे ये पता हो कि पाकिस्तान का प्रेस आज़ाद है, पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है, पाकिस्तान के मीडिया पर कोई दबाव नहीं है और किसी इदारे का कोई दबाव नहीं है। हक और सच बात पाकिस्तान का मीडिया चलाने के लिए आज़ाद है, पहले चलाएं और फिर मुझसे। दबाव जो है, मेरे अंदर कह रहे हैं दबाव है। पहले आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, फिर क्या आप शुरू होगा? तो गिरफ्तारी तो पहले भी हुई थी, दो दफ़ा आई थी, उल्टी पड़ गई, इंशाल्लाह इस दफ़ा और ज़्यादा उल्टी पड़ जाएगी। लॉन्ग मार्च होगा? नहीं 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 नहीं, हमजा शहबाज भी हैं माशाल्लाह, मियाँ साहब भी लंदन में बैठे हैं। तो ये जो प्रीएम्प्ट कर रहे थे ना कि मियाँ साहब को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर रहे थे और उनको लाने की कोशिश कर रहे थे, वो इसीलिए था, उनको पता था कि मियाँ साहब अब बाहर चले गए हैं तो हम उनको अब क्या करें, वो बोलेंगे बाहर से, तो मुझे अगर गिरफ्तार करेंगे तो मियाँ साहब खुद लीड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। चल भाई, फोन है। जिंदाबाद, जिंदाबाद।